हेलो वीवर्स आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेने के बाद आपको एग्जैक्टली exactly आइडिया मिलने वाला है कि आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पर कितना अच्छा कमांड आ गया है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें प्लस मैं आपको हर सेंटेंस मार्क करवाऊंगा आपने वीडियो स्टॉप करके उसको आइडेंटिफाई करना है उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा आपने मेरे आंसर को अपने आंसर के साथ टैली करके बताना है कि वो किस हद तक एक्यूरेट है

इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बी है और उसके आगे, आगे आप देख सकते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है राइट सो बी काइंड टू अदर्स इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज फुल स्टॉप आ रहा है तो ये कौन सा सेंटेंस है दिस इज सिंपल सेंटेंस यानी इसका जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या है सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस हैव वी सीन दिस बिफोर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ स्टॉप द वीडियो एंड आंसर दिस I hope so कि आपने इसे भी आंसर कर लिया होगा अब मैं आपको बताता हूं इसमें अगेन एक सब्जेक्ट आ रहा है एक ही वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब सो यू कैन मार्क दिस एज सिंपल सेंटेंस नाउ टेल यू दिस विद योर आंसर एंड सी वेदर दिस वॉज करेक्ट और न्यू वट वी नो टूडे योर टाइम स्टार्ट नाउ वीडियो स्टॉप करें एंड इसे भी सॉल्व करें आई होप कि आपने अभी इसे भी आंसर कर लिया होगा मैं आपको बताता हूँ ही इज दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब दो इट इज अ नॉन क्लॉज बट कंजंक्शन है इसके अलावा और कोई इसमें दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं हुआ तो इसके आगे भी आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है एक वर्ब मिल रहा है और ये एक एड है सो इसे मैं मार्क नहीं करूंगा स्ट्रक्चर में सो ही न्यू ये एक क्लॉज हुआ और इसी क्लॉज का एक और पार्ट है जो क्या है वट वी नो टूडे यानी ये इसी क्लॉज का एक ऑब्जेक्ट भी कहलाया जा सकता है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा ही है लेकिन अगर मैं बेसिक रूल को देखो तो यहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है और एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा कॉम्प्लेक्स कहलाया जाता है सो दिस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं यहां पर लिखता हूं इसे दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ सेंटेंस ही टॉक्स लाइक अ किंग एंड ही बिहेव्स लाइक अ बैगर योर टाइम स्टार्ट नाउ सॉल्व दिस ओके आई होप कि आपने इसे भी सॉल्व कर लिया होगा तो यहां पर देखिए जरा ही टॉक्स ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है लाइक ए किंग क्या ये है? No, दूसरा हमारे पास क्लॉज आया वो भी एक इनडिपेंडेंट क्लॉज है तो दोनों इंडिपेंडेंट हुए इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा कंपाउंड स्ट्रक्चर यानी कंपाउंड सेंटेंस कहलाया जाएगा ओके नेक्स्ट इज द फिफ्थ सेंटेंस आई वॉन्ट टू सॉल्व द मैटर But my friend wants me to leave it immediately, as he does not ही to disturb me during exam days. Solve this. I hope कि आपने इसे भी सॉल्व कर लिया होगा और ये आपके पास लेंथी सेंटेंस है आप यही से गेस्ट कर सकते हैं कि दिस इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बट स्टिल मैं इसे सॉल्व करूंगा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा ये, ये इसका फाइन एटवर्ब है उसके बाद देखिए बट आ रहा है बट को ऑर्डिनेट कंजेंशन में जो पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये है है तो यहां से यहां तक का जो independent clause है, ये मिलकर compound बन रहा है। और उसके बाद आप देखिए लीव इट इमीडिएटली एज ही डिज नॉट विल टू डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग एग्जाम डेज तो ये भी कंजंक्शन आपको नजर आ रहा है राइट लेकिन ये सब ऑर्डिनेट है पिछला क्लॉज इंडिपेंडेंट था अगला clause जो आपको मिल रहा है वो डिपेंडेंट क्लॉज हुआ तो इसी तरह से से देखिए मिलकर complex structure बनाते हैं so, इस तरह ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा सो so, उम्मीद करता हूं कि आपके काफी सारे सेंटेंसेस में करेक्ट होंगे और अगर आप अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का प्लेलिस्ट एक्सेस करें और बुक करें और उन वीडियोज को दोबारा देखें इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू